हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल कुशल मंगल हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल गाइस, पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, कल कोई वीडियो नहीं आ पाई थी। एक्चुअली आई एम गेटिंग सम प्रॉब्लम इन माय फैमिली, और जब घर में किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही होती है तो सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि हम चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब हम चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं तो मैं अपनी एनर्जीज किस तरीके से यू नो जुटा पाती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए। सो गाइज, हेयर आई एम विद द टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट यू आर एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बिकॉज ऑफ आर एनर्जी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता ही रहता है। कभी वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करता है, कभी कुछ वो बुरा मैनिफेस्ट करता है। और आज की जो ये टैरो रीडिंग होने वाली है, आज की जो ये टैरो रीडिंग की वीडियो होने वाली है, आज का टॉपिक कुछ इसी तरीके से है कि भाई आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में अपनी एनर्जीज की वजह से। ठीक है, तो आज की टोटल रीडिंग बेस्ड ऑन योर मैनिफेस्टेशन, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, हेयर आई एम विद द टुडेज रीडिंग। अच्छा, आज की रीडिंग जो है टोटली बेस्ड है आपकी एनर्जीज के ऊपर, करंटली आप जैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो आपने पास्ट में फील किया वो आपको प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज को उसी प्रकार से वही वही चीजें आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, ये आप मानते हैं, है ना? ऑब्वियसली बात है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम जो है रीडिंग को किस तरीके से करने वाले, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आज हम ना सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है? उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में विद दीज ब्यूटिफुल डेक्स, ठीक है? इन डेक से हम पिक करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट में ना, आज मैं आप लोगों को सेल्फ गाइडेंस देने वाली हूँ। सेल्फ गाइडेंस, इस डेक का नाम है सेल्फ गाइडेंस। तो इससे ना मैं आपको एक एडवाइस देने वाली हूँ। दीज आर सो ब्यूटिफुल डेक, दीज आर सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, आई मस्ट से बहुत ही प्यारे डेक हैं ये, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं ये। तो आज के जो मैंने डेक्स लिए हैं फॉर दी टुडेज रीडिंग, काफी सोच समझ के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी, आप लोगों से रेजोनेट करेगी, और टाइमिंग्स भी बताऊंगी कि कब तक या कितने दिनों में, कितने महीनों में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे देना चाहती हूँ बहुत ही साफ शब्दों में। देखिए, आपको एक बात बता दूं मैं, हम ये एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग का मतलब है मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कौन देख रहा है, उस व्यूवर का क्या नाम है, उस व्यूवर की क्या एज है, वो कौन सी जगह से बिलोंग कर रहा है, या वो कौन सी परिस्थिति में फंसा हुआ है। आई एम जस्ट गेटिंग द कार्ड्स हेयर। जो भी मुझे मेरे पर्सनल एंजल, आर्क एंजल, एनिमल स्पिरिट्स, गाइड्स, जो भी मुझे कुछ बताने की कोशिश करेंगे, वो मैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स देख करके आपको बताऊंगी, ठीक है? तो आपसे जो जितना रेजोनेट हो बहुत अच्छी बात है ना? अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो उसको साइड कीजिएगा, सोचिएगा कि वो आपके लिए नहीं, किसी और व्यूअर के लिए है, ठीक है? और दूसरा डिस्क्लेमर ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि रीडिंग एकदम रेजोनेट होती है बट आउटकम्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो आउटकम्स मैच अगर नहीं हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो सबसे पहले आपको तीन चीजों के ऊपर काम करना है। पहला, क्या आप किसी चीज को लेकर के कोडिपेंडेंट है, यानी कि जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं क्या उस चीज को लेकर आप कोडिपेंडेंट है, यानी कि सिर्फ उसी के पीछे भाग रहे हैं? तो भागना बंद कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हेट्स कोडिपेंडेंसी। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लाइंट आते हैं, अगर वो किसी चीज को लेके कोडिपेंडेंट होते हैं तो परमात्मा उस पर्टिकुलर पर्सन को उस चीज से बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सिर्फ एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी के लिए काम है, यूनिवर्स का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट काम है हमें सिखाना, ठीक है? और अगर हम किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तो हम और चीजों को नहीं सीख पाते। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वी ऑलवेज
यू नो डोंट गेट वट एवर लाइक ऑन वट एवर वी आर लाइक को डिपेंडेंट. किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम को डिपेंडेंट है वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है. दूसरी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, चलो को डिपेंडेंट आप नहीं हो, आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को इग्नोर कर पा रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप उस चीज़ को पाने के लिए सही हार्डवर्क कर रहे हो या सही जगह पर हार्डवर्क कर रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग गुड हार्डवर्क देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सही हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपका अंतर्मन आपको बता देगा कि आप सही रास्ते पर नहीं हो और आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो आपको उसको बदलने की जरूरत है. एंड थर्ड एंड द मेजर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, सही रास्ते पर भी हो, आपको यह भी पता है कि आप सही कर रहे हो एंड आपके साथ में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप कोडिपेंडेंट हो एंड ऑल, फिर भी अगर आपका आउटकम मैच नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही है, तो मैं ये बोलूंगी कि आपको किसी भी रीडर से, किसी भी अच्छे रीडर से या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर किसी भी अच्छे टैरो रीडर से आपको रीडिंग करानी चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे ही कराओ, जिससे भी मर्जी, लेकिन आपको कराने की जरूरत है, ठीक है. चाहे आप मुझसे कराओ, किसी और से कराओ, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग लो. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग लोगे ना, तो वो आपका रीडर आपको चैनलाइज कर पाएगा चीज की आखिरकार आपकी जिंदगी में दिक्कत आ कहां रही है. क्या आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहते उस चीज को आपकी जिंदगी में लाना, या परमात्मा उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, या फिर आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है, अगर किसी तरीके की कोई दशा तो नहीं चल रही है, तो कुछ भी अगर चल रहा है ना, सो बेसिकली आपको वो रीडर सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, आपको कुछ रेमेडीज दे पाएंगे, आपको वो करना चाहिए, ओके, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. तो ये डिस्क्लेमर मुझे देना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो आप इन तीन चीजों के ऊपर गौर करें, कोडिपेंडेंसी, हार्डवर्क एंड किसी अच्छे रीडर से आप बात करें इस बारे में, ओके. तो शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग. और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ. थर्ड टैरो बैच आई एम गोइंग टू कंडक्ट ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, यानी कि 10-10 पोर्टल के दिन से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड बैच ऑफ टैरो रीडिंग. सो अगर आप लोग मुझसे बेसिक टू एडवांस टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कि अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, अगर आप अपना खुद का कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं, एंड अगर आप यू नो लर्न करना चाहते हैं बहुत ही छोटे छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडवांस एनर्जीज, देन डेफिनेटली आप लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हैं. सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से चेक इन कर सकते हैं. तो अब बहुत बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. और रीडिंग को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां पर आपको पाइल का चुनाव कैसे करना है. पाइल का चुनाव करने के लिए आपने अपने नाम के पहले अक्षर को पिक करना है. आपके नाम का पहला अक्षर क्या है उसे जरूर से जरूर पिक करें. अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ABCGHIJMNOYSTU, तो पाइल नंबर 1 को पिक करें. लेकिन अगर आपके नाम का पहला अक्षर है DEFJKLPQRVWNX, तो पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग. दोनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दिया है, अपना प्यार मुझे कमेंट में देना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1. Hi to all my beautiful pile number 1 people. आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर. आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है और कुशल मंगल है. तो आज की जो ये रीडिंग है आप देख रहे हैं आपकी एनर्जीज के ऊपर बेस्ड. आपकी जो भी एनर्जीज हैं, जिस भी तरीके से हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं. आप लोगों के नाम के अक्षर, पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, ABCGHIJMNOYSTU. अगर इनमें से कोई एक अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर है, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, या फिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये देखो टिक नहीं रहा, अरे चलो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ. चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल. द पीपल हु चूजेस पाइल नंबर 1, जिनके नाम के पहले अक्षर ABCGHIJMNOYSTU में से कोई एक हो सकते हैं.
सो इस डेक का नाम है वाइस वर्सा। ये डेक बहुत ही प्यारा है, ऑल दो सारे डेक बहुत प्यारे हैं, बट इस डेक की जो स्पेशलिटी है वो है कि ये वाइस वर्सा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है अपराइट, एंड ये हो गया भैया रिवर्स में। सो ये जो जब भी मैं एनर्जीज चेक करती हूँ ना, स्पेशली इन माई पर्सनल रीडिंग ऑल्सो, तो मैं इस वाले डेक को काफ़ी इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना एग्जैक्ट एनर्जीज बताता है और काफ़ी प्यारा सा डेक है। छोटू है, हैंडलिंग में भी काफ़ी अच्छा है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, ठीक है। एंड आप लोग बस पूछते हैं तो मैं बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हे स्पिरिट्स, पाइल नंबर वन वालों के लिए बताओ। ओके, तो पहले भी हमारे पास तीन कार्ड गिरे थे पर मैंने उन्हें लिया नहीं, एंड अब वापस से आप लोगों के लिए यहाँ पर तीन कार्ड्स गिरे हैं तो इनको तो मैं लूंगी ही। यहाँ पर है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, एंड तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो देयर इज़ अ वेरी डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा काली ऊर्जा है। काली ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि या तो आपकी जो जिंदगी है अभी कहीं अंधेरों में गुम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ें सोच करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रही हैं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी को ना एक अलग लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो। आपकी ये प्रेजेंट एनर्जी बता रही हूँ गाइज मैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंट एनर्जी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, टू गेट द गुड एडवांसमेंट इन योर लाइफ, ओके। तो जो मैं यहां पर देख रही हूं ना, सबसे पहली चीज, मुझे जो काला कालापन है ना, तीनों कार्ड्स के अंदर जो एक काला कालापन है, ये बहुत ज्यादा ना अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करा रहा है जैसे आप किसी फॉगी सिचुएशन में हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी तरीके का अचानक कोई बदलाव जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, या कोई अचानक का कोई रिश्ता जो कि आपको एक हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल आपकी जिंदगी में जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आपको ये समझने के लिए संभलने नहीं दे रहा है कि आखिरकार ये आपके साथ हुआ क्यों, और अगर ये हुआ भी है तो आगे आने वाले समय में सिचुएशंस कैसी होंगी, ठीक है। तो somehow आपकी लाइफ में कुछ ऐसे साइकल्स चल रहे हैं जो कि रिपीटेटिव फॉर्म में है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड किस तरीके से ऐसे सारे के सारे ऐसे रोटेट हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ पाइल नंबर वन पीपल, कि आपकी जिंदगी में कुछ साइकल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपने उससे मूव ऑन किया, अब वापस से कोई पर्सन आया, फिर उसने आपको धोखा दिया, या फिर आपको किसी प्रकार का लॉस हुआ, आपने उसको रिकवर किया, फिर आपको किसी प्रकार का लॉस हो गया, अब आप फिर रिकवर करने में लगे हुए हो, या फिर किसी से आपकी लड़ाई हुई, सब कुछ सॉर्ट हुआ, आप हील हुए, अगेन फिर लड़ाई हो गई, अब आप फिर कोशिश कर रहे हो सॉर्ट करने की। सो कुछ तो है आपकी जिंदगी में जो एक शून्य की तरह, एक गोले की तरह बार 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 लगातार आपकी जिंदगी में घूमे जा रहा है। एंड ये जो कुछ भी है जो आपकी जिंदगी में घूम रहा है, ये आपको परेशानी दे रहा है, आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार मेरी जिंदगी है क्या, है ना, आखिरकार मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, मैं क्या करने के लिए हूँ यहाँ पर, मैं मेरी जिंदगी कभी बेहतर हो भी पाएगी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा जीवन जो है सकुशल हो सके। सो देयर इज अ फॉगी सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ। दूसरा, समहाउ आप चीजों को लेकर के थोड़े से परेशान हो। तीसरी चीज, कुछ रेपिटेटिव साइकिल आपके लाइफ में घूम रही हैं, एंड इन साइकिल्स और फॉगीनेस की वजह से आप अपने जीवन का संतुलन कहीं ना कहीं खो रहे हैं, या मैं ऐसा कहूं तो हो सकता है आपके परिवार में किसी प्रकार का ऐसा कोई छलावा चल रहा है। मैं यहां ना छलावे की एनर्जी देख रही हूं। छलावे का मतलब होता है किसी प्रकार का डिसेप्शन। आप इस कार्ड को देखिए गौर से, जब आप इस कार्ड को देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसकी शक्ल देखो आप, आई थिंक आपको गौर से दिख रहा होगा, इसकी इस इंसान की शक्ल देखने की कोशिश करो, ये कैसे हो रखा ना, जैसे कि ये है, या जैसे इसको किसी ने ना जैसे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, एंड ये करना नहीं चाह रहा बट ये कर रहा है। जैसे कि किसी के अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं तो वो जब पजेस्ड हो जाते हैं तो उनके साथ क्या सिचुएशन होती है कि वो करना नहीं चाह रहे होते हैं वो चीज, लेकिन वो कर रहे होते हैं, है ना। बस कुछ ऐसा ही मैं यहां पर महसूस कर रही हूं आपकी लाइफ के अंदर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है आपके साथ, ओके।
अब मैं कुछ और कार्ड आपके लिए निकालना चाहती हूँ। वैसे अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि आज की रीडिंग आप ही के लिए है ना। आइए और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 7, 5, 21, 15, 13, 16, 1, 28, 27, 9 की एनर्जी देख रही हूँ। ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या ये नंबर कोई तारीख ऐसी हो सकती है जिन तारीखों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी जिंदगी को बदला है, या हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है। डोर टू रोमांस कार्ड नंबर 41, सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड कार्ड नंबर 50 है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 28, 28, 5। मैंने यही नंबर्स अभी बोले थे, इनमें से कुछ नंबर्स। देखो आपके जो प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अगर हम प्रेजेंट और आपकी एनर्जीज की बात करें यहाँ पर, सो डोर टू रोमांस का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे इंसान का साथ चाहते हो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को ना एक खूबसूरत अंदाज में बिता सको। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनकी एज काफी हो गई है, बट दे आर नॉट हैप्पीली सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, लाइक फिजिकल रिलेशंस को लेके या मेंटली या फाइनेंशियली या इमोशनली। यू आर नॉट हैप्पी विद योर पार्टनर अगर आप लोग मैरिड हैं तो। और आप अभी अपनी जिंदगी में पता है क्या चाह रहे हो, कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले, एक ऐसा जीवन साथी मिले, एक ऐसा इंसान मिले आपकी जिंदगी में जो आपको चीजों को समझने और समझाने में मदद करे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो टोटली सिंगल हैं, जिन्होंने पास्ट में किसी तरीके का धोखा खाया। अब आपकी कुल मिलाकर के आपकी जो इच्छा है ना, वो आपकी इच्छा है कार्ड नंबर 33 कि आपकी जिंदगी के अंदर प्यार हो, आप बेसहारे ना रहें, आपको कोई समझने की कोशिश करे, आपको कोई ऐसे समझे जैसे कि आप उसके ना बेबी हो, ठीक है। आपको कोई ऐसे पैम्पर करे जैसे कि एक छोटे बेबी को पैम्पर किया जाता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हेयर, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है परमात्मा से वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे। एंड बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा पाइल नंबर वन पीपल कि आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं जो सच हो जाते हैं, ठीक है। आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन हैं, आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं एंड आप अपनी लाइफ के अंदर वो सब अब पा लेना चाहते हैं जो आप एक अरसे से खो रहे थे। ये तो जो है एनर्जीज मैंने यहाँ पर आपकी महसूस करी। मैं एक कार्ड यहाँ से भी निकाल देती हूँ कि इन केस अगर किसी भी तरीके से ना कुछ ऐसा जो छूट ना जाए। जस्ट अ वन कार्ड एंड इट इज मेडिसिन राइट्स अकम्प्लिशमेंट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप अपने एंसेस्टर्स, परमात्मा, एंजल्स, इनके ऊपर काफी ज्यादा यकीन करते हो। और अगेन यहाँ पर पर्पल है कलर, है ना, पर्पल डार्क ब्लू सा कलर है यहाँ पर। और वो देखो मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है, ये यही है, ओके, जो मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो आई मस्ट से आपका जो कनेक्शन है ना परमात्मा के साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि भैया आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। इज देयर समथिंग वेरी गुड या कुछ खराब है, क्या है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। और आपके वहां बारिश के क्या हाल है? अचानक से मुझे बारिश याद आई, पता नहीं क्यों। आपके वहां बारिश के क्या हाल है भाई, मुझे बताओ क्या चल रहा है आपके वहां पे बारिश का। सो वी हैव गुड लक, वी हैव द पॉसिबिलिटीज, फिर है हमारे पास एनलाइटमेंट। नाइस, एनलाइटमेंट। देन वी हैव रेजाइलेंस, ठीक है, मैं समझ रही हूं कुछ नेगेटिव भी आया है। कंफर्मेशन, मैंने बोला ही था आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिखते हैं। एंड वंडर, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स चांस, 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 चांस फॉर व्हाट, देखते हैं अभी।
स्टार, द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक इट्स डेथ का कार्ड, द न्यू बिगनिंग्स। लोगों को जैसे डेथ का कार्ड आता है ना, लोग कब कब ही छूट जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है हाय राम अब तो मेरी मौत आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग्स को बताता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स यानी किसी बुरी चीज का या किसी साइकिल का खत्म हो जाना और किसी नई चीज का शुरू होना। अब मैं इसी कार्ड के हिसाब से आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक कार्ड है पॉसिबिलिटी, द ग्लोब कार्ड, ठीक है। और ये जो ग्लोब का कार्ड है ना, आप लोग देख सकते हो, एक गोला, अगेन अ सर्कल, ठीक है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, आपकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो कि सिर्फ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, बट आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, राइट। यही बताया था मैंने आपको, वही चीज मैं यहां पर फील कर रही हूं कि, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ। आपके जिंदगी में जो चीजें बार बार रिपीटेटिव साइकिल में हो रही थी ना, अब फाइनली उनका खात्मा होने को है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपका कोई लोकेशन चेंज होने वाला है। ये लोकेशन आपका सेम सिटी, सेम कंट्री का हो सकता है, या फिर डिफरेंट सिटी एंड डिफरेंट कंट्री का हो सकता है। आप स्टेट पार कर सकते हो, जैसे अभी आप राजस्थान में रह रहे हो, फिर आप हरियाणा चले गए या आप कहीं और चले गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो है इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, और अभी आप जो है किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो व्हाट आई एम एग्जैक्टली फीलिंग हियर इज अ स्ट्रांग लोकेशन चेंजेस कमिंग। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसा मैं कई बार करती हूं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरी लाइफ में सेम साइकिल रिपीट हो रही होती है, या मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि जहां मेरे को चीजें जो है स्टेबिलिटी के साथ नहीं मिल रही हैं, या बार 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 एक ही इंसिडेंट मेरी लाइफ में हो रहा होता है ना, तो मैं पता ही क्या करती हूँ, कुछ दिन के लिए अपना लोकेशन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ दिन के लिए, चाहे दो दिन के लिए ही सही। आपको पता है इस चीज से क्या होता है? इस चीज से होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी, नजर या कुछ भी हमें लगा हुआ है ना, जिसकी वजह से हम बार बार सेम चीजों में फंस रहे हैं, उसका जो एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे गोला चल रहा है, यहां से अगर हम उसको कट कर दें तो वो बीच में से खुल गया, अब वो गोला गोला नहीं रहा। तो उस चीज को कंप्लीशन के अंदर लाने के लिए, तो आप भी ऐसा हो सकता है कुछ करने वाले, एक्चुअली आप नहीं करने वाले, यूनिवर्स आपसे करवाने वाली है। सो आप में से कुछ लोगों का जो है स्ट्रांग हाई पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबल चांस है यहां पर कि आपका नाम यहां पर चेंज होने वाला है, आपका लोकेशन, ठीक है, आपकी लोकेशन चेंज होने वाली है। मे भी हो सकता है कोई दूसरा घर, चाहे आप रेंट पे क्यों ना रहते हो, कोई दूसरा घर, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी अभी आप लोगों ने चेंज किया है, ठीक है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है चेंजेस तो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे अपनी जिंदगी में, वो तो आप समहाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेकंड जो मैं यहाँ पर चीज फील कर रही हूँ वो है अच्छी चीजें। पहले मैं बता रही हूँ, एक ही बुरी चीज आई है तो वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर सेकेंड अच्छी चीज है गुड लक, स्पेशली इन द मनी। मैं यहाँ पर गुड लक लव में नहीं फील कर रही हूँ, मैं गुड लक यहाँ पर मनी में फील कर रही हूँ। एंड ये जो मनी का गुड लक आपकी जिंदगी में आ रहा है, इस चीज को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो मनी का चेंज है, मनी का जो गुड लक आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये गुड लक एक आम गुड लक नहीं है। आम गुड लक का मतलब हो गया कि जो आया और फिर चला गया, नहीं, ये कोई स्टेबिलिटी देने वाला गुड लक है, ठीक है। एंड ये मनी की तरफ से है और मनी लाइफ की तरफ से, आपके फाइनेंस इंप्रूव होने वाले हैं कुल मिलाकर के। देयर इज अ नेक्स्ट कार्ड, वी हैव अ कार्ड ऑफ वंडर। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाओगे, आप अपने अंदर एक तब्दीली देखोगे, लुक्स में, हेल्थ में, फिजिक जिसे हम बोलते हैं, एंड फिजिक में, हेल्थ में, लुक्स में, और मैं हर तरीके से बता देती हूँ ताकि आप समझ सके, फाइनेंस में आप अपनी जिंदगी में ना एक बदलाव देखने वाले हैं, ठीक है, थीके? और ये बदलाव आपको खुशी देगा, वंडर का कार्ड है, ठीक है। सम वंडर्स आर कमिंग इन योर वे। और यहाँ पर है एंजल नंबर कन्फर्मेशन, ये एक स्ट्रांग टोटल कन्फर्मेशन है। अगर आप लोगों को 444, 111, 888, 999, 555 बहुत दिखता है या ये सारे नंबर दिखते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये बदलाव तो बहुत स्ट्रांगली आने वाले हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट यहां पर अब मैं एक नेगेटिव चीज आपको बता देती हूँ, वी हैव अ रिजाइलेंस का कार्ड। देखो, आपके पितरों को या आपके जो पूर्वज थे, आपके जो फोर फादर्स थे, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी थी या किसी प्रकार का कोई एडिक्शन था,
ठीक है, वो एडिक्शन आपको लग सकता है, तो इस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दादा नाना या चाचा चाचा ताऊ कोई भी थे, है ना, या अभी भी है, अगर वो किसी प्रकार का कोई नशा पता करते थे तो आपको भी बहुत ज्यादा क्रेव होगा उस चीज का। प्लीज इस चीज को बंद करें, ऐसा ना करें, अपनी जिंदगी को ना खराब करें। किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी उनको थी तो उसके लक्षण आपको दिख सकते हैं आगे आने वाले समय में, तो उस चीज के लिए प्लीज थोड़ा सा सजग रहिएगा। ऑल दो वो बीमारी आपको होगी नहीं, लेकिन हाँ लक्षण दिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। कुछ वुमेन्स मुझे यहाँ पर प्रेग्नेंट होती हुई नजर आती हैं, तो कुछ वुमेन्स मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर ग्रेस, हैप्पीनेस, यू नो, स्टेबिलिटी एंड अचीवमेंट्स आने वाले हैं। आप चीजों को अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। एंड और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तीन चीजें और चेक कर लेते हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। द थ्री थिंग्स यू आर मोर अचीविंग, हाउस प्लस प्रोस्पैरिटी। अगेन मैंने बोला था ना गुड लक, तो मनी वाली प्रोस्पैरिटी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके घर में शांति आएगी। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस, क्या बात है यार। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई पेड सैलरी, अगेन मनी का एक आपको गेन मिलने वाला है। सो मनी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। मैंने बोला ही था बॉटम ऑफ द डेक गुड अचीवमेंट, मैंने बोला ही था दैट यू आर मैनिफेस्टिंग गुड अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। सो देयर इज एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव पाइल नंबर वन पीपल, जस्ट एक चीज थोड़ी नेगेटिव है, इसका आपको ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज मेरे को आगे ये ना बोलना पड़े कि भैया आप कुछ खाने पीने लगे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगी ये चीज, है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस हियर फॉर यू पाइल नंबर वन पीपल। आपके लिए यहां पर गाइडेंस है बी एन ऑब्जर्वर। आई चूज टू बी एन ऑब्जर्वर ऑफ माय परसेप्शन विच शेप द चॉइस दैट क्रिएट माय रियलिटी। वाओ, आपको ये कितनी प्यारी चीज बोली गई है यार। आपको बोला गया है पाइल नंबर वन पीपल कि आपको ना एकदम ऑब्जर्वर की तरह रहना चाहिए, है ना। रिएक्ट करो कम, बोलो कम, देखो ज्यादा। आपको एक चीज बताती हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस यूनिवर्स। एक होते हैं जो कच 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 वर्बल वॉमिट करते रहते हैं, जो चीजों को समझते नहीं है। एक होते हैं जो कि शांत रहते हैं, एक सही समय पर रिएक्ट करते हैं, जो संतुलित होते हैं, जो स्ट्रांग ऑब्जर्वर होते हैं। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको भी वही बने रहना है ताकि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकें, आप अपनी जो रियलिटी है ना उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकें, ठीक है। सो बी अ गुड ऑब्जर्वर, आसपास की चीजों को महसूस करें, आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करें, कोई क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन बोल क्या रहा है, वो महसूस क्या कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। इट इज एन एडवाइस फॉर ऑल द पाइल नंबर वन पीपल। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर वन का। आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताओ यार कमेंट में। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड मैं वीडियो अपलोड होने के एक घंटे बाद तक कमेंट सेक्शन के अंदर अवेलेबल होती हूँ। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रीडिंग एंड किसी भी तरीके की कोई एनर्जी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे भी प्यार करना ना भूलो, मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त प्यार की। सो लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और आप सब लोग बोलते थे ना दैट प्रियंका अपना पैशन भी फॉलो करो, लाइक आई जस्ट लव सिंगिंग, तो आप सिंगिंग भी फॉलो करो, ये करो वो करो। सो आई मेक एन इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम प्रियंका कोटवाल ही है, यानी मेरा नाम ही है। सो आप लोग उसको जाके भी चेक इन कर सकते हैं। सो आप सभी लोगों के प्यार और हैप्पीनेस के लिए ढेर सारी वाला ग्रैटिट्यूड। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ 111 Tarot। लव यू ऑल। Hi to all my beautiful pile number 2 people, आप सभी लोगों का भर भर के वेलकम, आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार guys। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर DEFJKLPQRUYWNX में से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई अपनी लाइफ के अंदर। What you guys are manifesting in your life because of
योर एनर्जी. देखो आज की जो रीडिंग है ना वो टोटली बेस्ड है आपकी एनर्जीज के ऊपर, ठीक है. लेकिन मैंने एक अच्छा खासा डिस्क्लेमर दिया है इन द इंट्रोडक्शन, सो अगर आप वो इंसान है जो इंट्रोडक्शन नहीं सुनता है तो जाइए और इंट्रो को अच्छे से सुनिए, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है. सो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, लाइक आपकी क्या एनर्जीज है एंड आपकी एनर्जीज के बिहाफ पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विद द एनर्जीज विद द रीडिंग. मैं आज ये बहुत ही प्यारा सा डेक इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही क्यूट सा डेक है. इस डेक का नाम है द वाइस वर्सा डेक और ये डेक ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि इसके अंदर ना एनर्जीज देखो कैसी हैं. ये है किंग ऑफ कप्स रिवर्स में और ये है किंग ऑफ कप्स अपराइट एनर्जी में. ये है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. तो इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. इस ये जो डेक है ना ये बहुत प्यारा सा लगता है मुझे. चलो तो जी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. हे स्पिरिट्स, हे मेरी पॉजिटिव स्पिरिट्स जिनका नाम का पहला अक्षर डी ई एफ जे एल जे के एल पी क्यू आर वी डब्ल्यू एक्स है, उन लोगों की जिंदगी में क्या आ रहा है, उन लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज 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 बताइएगा. उससे पहले बताइएगा उन लोगों की एनर्जीज क्या चल रही है. हे मेरी प्यारी स्पिरिट्स, मेरे पॉजिटिव एनर्जीज, पाइल नंबर टू पीपल की एनर्जी अभी क्या है, हमें गाइड करें विद द हेल्प ऑफ फ्यू कार्ड्स. बताएं हमें. ओके सो वी हैव थ्री कार्ड्स हियर, तीन कार्ड है यहां पर. ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये है हाई प्रेस्टेस और ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. अब आपने मैच करनी है अपनी एनर्जीज, ओके. एंड याद रखिएगा दिस रीडिंग इज अ जनरल रीडिंग, हो नहीं सकता कि 100% रेजोनेट हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है बट ज्यादातर लोगों के लिए नहीं हो सकता. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके. पहली चीज मैं यहां पर महसूस कर रही हूं द ओल्ड एनर्जी, द ओल्ड स्पिरिट. मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिनकी उम्र भले से 10 साल क्यों ना हो, मैं ये बोलूँ चाहे आप बच्चे क्यों ना हो, चाहे आपकी उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो, आपकी जो एनर्जीज हैं आपकी जो ऊर्जा है वो आपको लोगों से अलग बनाती है, वो आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है. आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका समझने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, अलग किस्म का है. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको एज ए हीलर देखते हैं, लोग आपको एज ए यू नो विजडम विजडर देखते हैं, ठीक है. आपको एज ए यू नो दैट ग्रेट लिजार्ड देखते हैं. द ग्रेट लिजार्ड कौन है? द ग्रेट अकल्टिस्ट, ठीक है. तो जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दैट वॉज विजार्ड. तो मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ, एक अलग ही मिस्टीरियस एनर्जी. आपकी उम्र चाहे जो भी है, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका एटीट्यूड, आपका जो सेल्फ लव है, जो सेल्फ केयर है, लोगों को चीजों को देखने का नजरिया, आपका परसेप्शन, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही किस्म का है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है. इनफैक्ट जब आप पैदा हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे अकल्टिस्ट ने आपके लिए भविष्यवाणी करी या आपके लिए कुछ कुछ बताया जब आपका नामकरण हुआ या कुछ हुआ कि भैया ये तो ना आगे चल करके कुछ बहुत बड़ा नाम करेंगी या ये आगे चल करके कुछ बहुत बड़ा नाम करेगा, इस बच्चे के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. एंड मैं यहाँ पर एक चीज और देख रही हूँ कि आप हर चीज को अपनी लाइफ में बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं. आपके साथ में ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि आप इसको भी आने दो, उसको भी आने दो, इसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे. नो, ऐसी एनर्जी नहीं है. यू गाइज आर वेरी मच बैलेंस्ड, ठीक है. आप अच्छा और बुरा सब बैलेंस रखते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एकदम दूध के धुले इंसान है. आई एम रियली सॉरी टू से, आपके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन आपको जैसे ही पता लगता है कि
मेरे अंदर ये चीज की बुराई है, मुझे इस चीज को बदलना चाहिए, आप तुरंत से उस चीज के अंदर लग जाते हैं और आप उस बुराई को बदल देते हैं. द गुड थिंग इन यू इन योर बिहेवियर इज योर एटीट्यूड टू सी द डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ. आप जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, बदलते हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में हमेशा अग्रसर रहते हैं, ये आपको यूनिक बनाता है लोगों से. जिस समय पर लोग बच्चे खेला कूदा करते थे, आप अपनी जिंदगी की कुछ परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जिस वक्त लोगों को बच्चों को जवानी के जोश में रहते हैं ना, आप उस वक्त भी समहाउ अपनी लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रगल्स के अंदर फंसे हुए हैं और आप एक नॉर्मल सी एनर्जी नहीं है. यू गाइज हैव समथिंग वेरी स्पेशल. थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठाने को सज्ज हैं. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आप अपनी जिंदगी में अच्छा कमाना ही इसलिए चाहते ताकि आप अपने घर वालों की जो है परिस्थितियों को सुधार सके, अपने घर वालों की जो सिचुएशन है उनको ठीक कर सके. आप एक जिम्मेदार इंसान है. जिम्मेदारियों को आपके ऊपर समहाउ थोपा गया है या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई था ही नहीं तो जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ गई. नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर फॉगी इन योर लाइफ और इन फॉगी सिचुएशंस को लेकर के आप बहुत बार निराश हो जाते हैं. आप सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या मेरी जिंदगी की यही रियलिटी है, क्या मैं यही सब करने के लिए यहां पर हूं. तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं. आप एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है गाइज. यू हैव समथिंग वेरी 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 स्पेशल जो हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ गया है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया है. पायल नंबर टू पीपल, मैं इतना इजीली रिकमेंड नहीं करती हूं बट आई मस्ट से आप लोगों को अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देर आर लॉट्स ऑफ आंसर्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही मिल सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि आप मुझसे ही कराओ, लेकिन मैं आपको ऐसा कहती हूं कि आप किसी से भी कराओ लेकिन कराओ. आपके लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सोल पर्पज को जानना. सो आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा यू नो हैवी है. यू गाइज हैव वेरी स्पेशल वेरी स्टेबल एनर्जीज. ठीक है. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बोला हो कि यार कुछ अलग सा ही है तुम्हारे अंदर, तो कुछ अलग सा ही सीन है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अलग ही बात है तुम्हारे अंदर. तो ऐसा भी हो सकता है लोगों ने आपको कहा हो. तो आई मस्ट से यू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी मैजिकल एंड वेरी स्टेबल. ओके देखिए तो अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही है. तो प्रेजेंट एनर्जी के नाम है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंग्जाइटी और है आपके लिए यहां पर सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल. बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग वुमेन 47. सो द नंबर 18, 5, 4, 31, 7, 28, 6, 9, 16 and 13. These number are very important and major here in your reading. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन नंबर्स में से कुछ तो है जो कि आपसे रेजोनेट होने वाला है. कुछ चीजें आपसे नंबर से रेजोनेट होंगी. मे बी देखो कैसे चलाते हैं ना आजकल लोग गाड़ी. मतलब स्ट्रीट है जहाँ मतलब मैं रह रही हूँ ना, इट इज़ अ स्ट्रीट एरिया. तो काफ़ी मतलब ऐसी गलियाँ हैं है ना, जिसके अंदर एक गाड़ी और एक साइड में एक वो आ सकता है, क्या बोलते हैं, बाइसिकल और साइकिल समथिंग. इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है मतलब, हाँ इतनी ही होंगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है. ऑल दो द एरिया इज़ गुड बट सड़कें छोटी हैं. उसमें भी स्टार्टिंग जैसे बजाते हुए हॉर्न आएंगे गाड़ी वाले, भाई बच्चे खेल रहे हो सड़क पे या कोई कुछ कर रहा हो सड़क पे, कोई परवाह नहीं है. वो दूर से बजाते हुए आएंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाएंगे भाई साहब. इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान नहीं चलती लोगों की जितनी आजकल के लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं. ऐसे लोग लिटरली मुझे तो छपरी लगते हैं. आप लोगों का क्या कहना है मेरे को बताना. तो ना हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, वो गाड़ी वाले ने डिस्टर्ब कर दिया हमें. यस
मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है। भाई आप लोगों की एनर्जीज है यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कि आप किसी अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट या किसी परेशानी को लेकर के ना काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर थिंकिंग कि अब मैं आगे क्या करूं। ऑल्दो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि सब कुछ बहुत ईजिली संभल जाएगा, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा, बट बहुत बार ना आपको एंग्जाइटी होती है, आपके दिमाग में बहुत बार टिक 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 बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि यार कुछ सही नहीं हुआ तो, यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे साथ वैसा हो गया तो। सो यू हैव लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी इन योर एनर्जीज। आप परमात्मा से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपको एक अलग ही ऑरा महसूस होता है हमेशा परमात्मा का। एंड आप जो है ना इस वक्त अपनी जिंदगी में एक हीलिंग वाले कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, आप समहाउ परमात्मा आपको हील करने की कोशिश में लगे हुए हैं, परमात्मा आपको समहाउ जो है हील करना चाहते हैं। आप देख सकते हो इस कार्ड को, इस कार्ड की ऊर्जा कितनी प्यारी है, डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस वक्त परमात्मा ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ना हील हो जाओ, क्योंकि पास्ट में आपने इतने सारे धक्के एक साथ देख लिए ना, शायद हो सकता है लेसन्स लर्न करने के लिए या फिर अपने कार्मिक लोगों से अपना छुटकारा पाने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी यहां पर महसूस होती है आप लोगों के कार्ड्स को देख के गाइस, कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग कार्मिक हैं। मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग्स, इनफैक्ट योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स टू। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कार्मिकों से जूझे हुए हो अभी, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपने अभी पास्ट में लर्न करे हैं, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगी, आप चाहे 10 साल के क्यों ना हो, आप बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में बचपन से बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ है चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो कभी हार नहीं मानता, और आप एक ऐसे इंसान है जो कि परमात्मा से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि चाहे जितनी मर्जी एंग्जाइटी हो, चाहे जितना मर्जी डिप्रेशन हो, एक दिन जरूर आएगा, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब भगवान भी मेरी तरफ देखेंगे और चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। आपकी लाइफ में मुझे ऐसे ही लोग नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी टांग पकड़ के खींच के नीचे गिरने वाली एनर्जी में रहते हैं, है ना। और एक कार्ड मैं यहां से चेक करूंगी आप लोगों के लिए, एंड देन वील स्टार्ट विद द मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट, कि आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी के अंदर है एक्सट्रैक्शन सिद्धार्थ का कार्ड, जो कि आपको बताता है कि अब आपको जरूरत है अपने अंतर्मन की एनर्जीज को इस्तेमाल करके कुछ बड़ा क्रिएट करने की। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, आपने खुद को जीना बंद कर दिया है, आपने खुद को सोचना, आपने खुद को समझना बंद कर दिया है, और ऐसा आपने जो शुरू किया है ना ये सही नहीं है। एक्सट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, आगे बढ़ो, समझो खुद को, अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, तो ये तो पार्ट हो गया जी आपका एनर्जी और आपकी लाइफस्टाइल का। अब आपसे कितना रेजोनेट हुआ है ये आप मुझे बताएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइस आर गेटिंग, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। मैं इन कार्ड्स को साइड कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से ना दिखा सकूं। सो लेट्स सी आप अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। पाइल नंबर टू पीपल, हे परमात्मा गाइड कीजिएगा, हे ईश्वर गाइड कीजिएगा गाइड अस विद द क्लैरिटी गाइड अस विद द एनर्जीज। पाइल नंबर टू, DEFJKLPQRVWNX, व्हाट दीज पीपल आर मैनिफेस्टिंग, जर्नी, community, enlightenment, healing, fun, one more card, patience, okay, bottom of the deck है high possibilities और high chance। जजमेंट, द मून, चैरियट, एक चीज यहां पर सही नहीं आई है, बाकी सारी अच्छी चीजें, एक एक करके बताती हूं ताकि आप समझ सको। देखो भाई, पाइल नंबर वन पीपल, पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप एक आम इंसान नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल अ कॉमन पर्सन, यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज,
यू हैव एनर्जी एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस, ठीक है, आप एक अलग अलग ऊर्जा हो आप, ठीक है, एक अलग किस्म की एनर्जी है आपकी। आपका उद्देश्य दुनिया में आकर रोना धोना या अपनी जिम्मेदारियों को ही पूरी करना नहीं है, यू हैव सम डिफरेंट लॉजिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो। देखो भाई, साफ सी बात है, आपकी जिंदगी ही ना एक जर्नी है, जिससे लोग इंस्पायर होंगे, जिससे लोग कुछ सीखेंगे, आप अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जियोगे, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत मुतासिर होंगे, लोग आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, लोग आपको देखेंगे और लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप कितने अलग किस्म के इंसान हो, आपके अंदर कितना कुछ है जो आप लोगों को सिखा सकते हो। इनफैक्ट आगे आने वाला समय एक ऐसा होगा जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एक स्ट्रांग रेवोल्यूशन लेकर आओगे। सो व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिटी, यू आर मैनिफेस्टिंग अन अवेयरनेस। आपकी लाइफ में आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, टाइमिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कौन से टाइमिंग पे आपके साथ ऐसा होने वाला है, या कम्युनिटी आपके कमेंट सेक्शंस के अंदर भी आप देख सकते हैं। सो आप एक जर्नी के अंदर, एक जर्नी का पार्ट हो, आपको कम्युनिटी को कुछ सिखाना है, इस चीज की अवेयरनेस आपकी जिंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहली चीज। सेकेंड थिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग इनलाइटमेंट, यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्ट्रांग इनलाइटमेंट इन योर लाइफ। आपकी जो सोल है वो हील हो रही है, आप यहां से यहां आ रहे हो, आपका जो पलड़ा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो हीलिंग है, आपका जो आपकी जो सोल की जर्नी है वो लोगों से काफी ऊपर उठ रही है, ठीक है। जहां लोग पैसे के लिए खून खराबा कर रहे हैं ना, वहां आप ध्यान करने के लिए एकदम पेशेंसफुल एनर्जी में है, तो वो चीज मैं यहां पर देख रही हूं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना वो आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाली है, आपकी जो लाइफ है वो आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाली है। यू आर मैनिफेस्टिंग हीलिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग फन, खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शांति। पेशेंस का कार्ड मुझे यहां पर, पेशेंस नहीं, मुझे यहां पर महसूस करा रहा है क्या, पीस। तो आप अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज का एक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपके वो सब्र खत्म होने वाले हैं। आपको अवेयरनेस आने वाली है कि आप एक जर्नी का पार्ट हैं, आपकी अपनी एक कम्युनिटी है, आप इनलाइटेड महसूस करने वाले हैं, और आप किसी तरीके की कोई बड़ी फाउंडेशन रन करने वाले हैं, है ना, या आप किसी फाउंडेशन का पार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। आई एम सीइंग चैरियट का कार्ड, ये बहुत जल्दी होगा, और आप ना अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करोगे कि आप एक युद्ध लड़ रहे हो अपने आप से। आपकी जो लड़ाई है वो किसी और से नहीं, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है, क्योंकि आप अपने आप को हील जब जब करोगे ना, आप अपने आप को जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आप महसूस कर पाओगे कि आप कितने डिफरेंट हो, ठीक है। सेकेंड, परमात्मा आपको जजमेंट यानी कि जस्टिस देने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया या जिस भी तरीके से बुरा हुआ, आपको परमात्मा की तरफ से जस्टिस मिलने को है। नाउ द ओनली वन थिंग आई एम सीइंग हियर, आपके आपके मदर के साथ के जो कनेक्शंस हैं वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, या फिर आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, या आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। इस चीज को आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, बाकी देयर इज नथिंग नेगेटिव, ठीक है। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी एग्जाम का क्लियर होना। हो सकता है आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पेपर आपका क्लियर हो जाए, और वो पेपर जैसे ही आपका क्लियर हो, आप एक बड़े औहदे या बड़े पद पर बैठें और आप लोगों को चेंज करें, ठीक है, लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आए। आप अपनी जिंदगी में विक्ट्री हासिल करने वाले हो बहुत जल्दी। एंड वन मोर हियर इट इज, किसी प्रकार का आपकी लाइफ के अंदर जानवरों से और पेट से रिलेटेड कोई प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रू लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड वन मोर कार्ड आई एम पिकिंग फॉर यू, पाइल नंबर टू पीपल, मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जीज है, क्योंकि आप एक अलग किस्म के इंसान हो। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। सो आपके लिए यहाँ एडवाइस है, लेट गो, बहुत जरूरी होता है भैया लेट गो करना। आई लेट गो ऑफ फियर एंड वरी अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर एंड इमर्स माई सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि जब हम पास्ट की टेंशन को बंद कर देते हैं, जब हम पास्ट के दुख को बंद कर देते हैं, उसको ढक्कन लगा देते हैं, कस देते हैं, और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उसकी टेंशन लेना बंद करते हैं, और जब हम प्रेजेंट में जीते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो आप खाना ही खाओ,
आप पास्ट के बारे में मत सोचो, ऐसा हुआ था मेरे साथ, कि आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो। आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप गेम ही खेलो, मतलब आप प्रेजेंट में रहो गाइस। आप जितना प्रेजेंट में रहोगे ना, उतना ही बहुत अच्छा आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में। दिस इज एन एडवाइस फॉर यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यही है, ब्लिस इन प्रेजेंस, माई हैप्पीनेस इज फाउंड इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड आई रियलाइज दिस इज ऑल दैट एग्जिस्ट। तो भैया प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दो। सो पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव आने को है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने जानी यहाँ पर। आपका इन सब चीज़ों को लेकर के क्या इरादा है, या आप क्या महसूस करते हैं, आपसे कितनी आज की रीडिंग रेजोनेट हुई, तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा मेरे को, बताओ कौन बताएगा इस चीज़ का? है आपके पास आंसर? है तो आप ही बताओगे मुझे, तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और मैं रीडिंग वीडियो अपलोड करने के एक घंटे तक कमेंट में होती हूँ, तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द रीडिंग और योर लाइफ, ठीक है? या कोई सवाल जो आपके मन को बहुत ज़्यादा खा रहा है, यू गाइस कैन आस्क मी। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल 111 टैरेट फैमिली। लव यू ऑल, ढेर सारा वाला प्यार गाइस, बाय बाय।